हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का पोकेमोन फायर एडवेंचर्स ऑन द ऑरेंज आइलैंड्स के ब्रांड न्यू एपिसोड में। तो पिछली बार हमने ऑरेंज आइलैंड का फर्स्ट बैच कोरल आई बैच जीता था। इस बार मैं यहाँ वर्मिलियन सिटी आया हूँ। मैं ओल्ड रोड यूज़ करके देखना चाहता हूँ क्रैबी हमें मिल सकता है या नहीं मिल सकता। वैसे तो ओल्ड वर्जन में यहाँ से क्रैबी ऐसे ही मिल जाता है, लेकिन हमें नहीं मिला, ऐसे भी नहीं मिला, और ओल्ड रोड यूज़ कर रहे हैं फिर भी नहीं आ रहा। तो मैं अभी टाइम पास नहीं करूँगा, आखिरी बार देख लेते हैं, ठीक है? एक और बार ओल्ड रोड यूज़ करके देख लेते हैं। और सॉरी गाइस, कल मुझे टाइम तो मिला था लेकिन मेरा टाइम चला गया मेरी पढ़ाई में, इसलिए मैं कल वीडियो नहीं रख पाया था। और आज भी मैं मेरी बुक्स लेने गया था बुक स्टोर में, तो सॉरी गाइस। अभी चलिए जल्दी से हमारा गेम स्टार्ट करते हैं। सॉरी ये फालतू की बकवास करिए। अंदर जो ट्रेनर है वो बहुत शक्तिशाली है, बी केयरफुल। चलिए अंदर जाना है हमें इस केव में। तो जैसा कि एस को पर्वत चढ़ना पड़ता है ऊपर जाकर, मतलब जिम वहाँ ऊपर होता है, आपको शायद पता होगा, नहीं पता है तो एपिसोड देख लेना, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। तो गाइज मैंने मैक्स रिपल भी यूज़ कर लिया है, और यहाँ हमें सीढ़ी से नीचे जाना था। नेवल रॉक B1 फ्लोर पर आ चुके हैं हम, तो इस तरफ जाना होगा। मैं जल्दी जा रहा हूँ, और पिकाचू बड़ा अच्छा लग रहा है। तो फाइनली आगे हमें बैटल करनी ही पड़ेगी। यहाँ बहुत अंधेरा है। तो तुम अंधेरे में हमारे साथ बैटल करोगी? तुम्हें सब कुछ दिखेगा क्या? नाइट विजन ग्लासेस है क्या तुम्हारे पास? तो पहला जॉल्टियन है, मस्ती बहुत हो गई, अभी सीरियस होना चाहिए। तो अच्छा हुआ मैंने हमारा बल्बसोर ऊपर रखा था, लेकिन लास्ट रिजॉर्ट अटैक किया। ये कौन सा अटैक है, लास्ट रिजॉर्ट? लेकिन हम एनर्जी बॉल यूज़ करके आसानी से हरा सकते हैं। तो जॉल्टियन को तो बल्बसोर ने हरा दिया। नहीं नहीं नहीं, बल्बसोर ने आसानी से नहीं हरा, थोड़ा टफ था बल्बसोर के लिए, इतनी कम HP हो गई। तो जिगली पफ आ रहा है, तो हमें पिकाचू को बुलाना चाहिए। तो ये बैटल होगा नॉर्मल टाइप वर्सेस इलेक्ट्रिक टाइप, और पिकाचू को हमने लास्ट में थंडर अटैक सिखाया था, तो अभी थंडर अटैक में यूज़ करना चाहूँगा। अरे नहीं यार, क्यों मिस कर दिया? गाइस मैंने दो बार ट्राई किया था थंडर अटैक करने का, लेकिन हमारा पिकाचू फेंटेड हो गया था। आपको यकीन नहीं हो रहा, मुझे भी नहीं हो रहा था। और बाद में मैंने हमारे चारिज़ार्ड को बुलाया, और चारिज़ार्ड की हेल्प से हमने वो बैटल जीत लिया था। तो अभी हम हमारा सेकंड जिम बैच लेने के लिए जा रहे हैं, आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता तो पिछला एपिसोड देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। हम आ चुके हैं नेवल रॉक के फर्स्ट फ्लोर पर। अब ऐसा मत कहना कि तुम नीचे थे, वो फर्स्ट फ्लोर ही तो था। वो फर्स्ट फ्लोर नहीं था, वो B1 फ्लोर था, मतलब कि ग्राउंड फ्लोर था, ठीक है? अभी पर्ल मिल चुका है हमें, ये पर्ल का क्या यूज़ हो सकता है मुझे नहीं पता, ठीक है? इसलिए आगे बढ़ते हैं। और इन आंटी से मैं बैटल करना चाहता था, तो ठीक है मैंने बैटल कर लिया, और मैं आ चुका हूँ सेकंड फ्लोर पर। मैं जाने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। कहाँ अंकल, कहाँ जाने के लिए एक्साइटेड थे आप? मुझे तो नहीं पता गाइस ये क्या कहना चाह रहे थे, लेकिन हम आखिर में नेवल रॉक के थर्ड फ्लोर पर आ चुके हैं। और आपने जैसा कि कहा था, तुम GBA लेआउट कैसे बनाते हो गेम के, वो वीडियो बना देना, तो मैंने वीडियो बना रखा है, आपको कल मिल जाएगा। जिम से पहले एक और लास्ट चैलेंज, अब तुम जिम बैटल के लिए रेडी हो? तो गाइस आगे जैसा कि मैंने कहा था, GBA गेम के लेआउट कैसे बनाना है उस पर मैंने वीडियो बना रखी है, तो वो देख लेना, आपको कल मिल जाएगी। और NDS गेम या फिर 3DS गेम पर भी लेआउट बना सकता हूँ मैं, तो उस पर भी आप वीडियो चाहते हैं तो कल की वीडियो पर अच्छा रिस्पांस देना। तुम्हारे बैटल से पहले मैं तुम्हें हील कर सकती हूँ। ओह गुड, तुम और तुम्हारे पोकेमोन अच्छे दिख रहे हैं। तो भाइयों और बहनों, हमारे सेकंड जिम बैटल के लिए रेडी हो जाइए। तो तुम सारे रास्तों से चढ़कर यहाँ ऊपर आ चुके हो, गुड, तुमने तुम्हारा फर्स्ट स्टेज पास कर लिया। चलो अभी एक रियल बैटल हो जाए। तो रियल बैटल तो हो जाएगा, लेकिन मैं सबसे पहले हमारे स्क्वाडल को यूज़ करना चाहूँगा, आखिर में बल्बसोर, और लास्ट में पिकाचू को चुनना चाहूँगा। तो गाइस हो सके तो माफ़ कर देना, एस ने सेकंड जिम के लिए ये पोकेमोन्स नहीं लिए थे, लेकिन मैंने थर्ड जिम वाला वीडियो देख लिया था, इसलिए मैं कन्फ्यूज़न में था, ठीक है? अभी कोई बात नहीं, अभी बैटल कर लेते हैं जल्दी से। क्या ये, मैं क्या देख रहा हूँ, इनके पास 5 पोकेमोन है और हमारे पास सिर्फ 3 पोकेमोन। मुझे लगता है अभी हमें हमारे बाबूराव को बुलाना चाहिए। राजू ये तो बहुत ही नाइंसाफी है रे, अभी हमारा स्क्वाडल एक्वाटेल यूज करके
आसानी से नीडोक्विन को हरा सकता है। बाबू भैया मैंने कहा था आपको हाइड्रो पंप यूज कीजिए तभी नीडोक्विन हार सकता है। अरे हमारा स्क्वाडल बच गया। लेकिन अब नीडोक्विन नहीं बचेगा, वो तो हार जाएगा, देख लेना। देखा मैंने कहा था ना कि नीडोक्विन हार जाएगा। ठीक है बाबू भैया आप पकाओ मत सबको, अभी हम हमारे स्टाइल से बैटल करेंगे। तो जियोड्यूड आ रहा है गाइस, तो हाइड्रो पंप से जियोड्यूड भी हार सकता है, लेकिन हमारे स्क्वाडल ने मिस कर दिया अटैक। ऐसा क्यों करता है यार। अभी मैं एक्वाटेल पर विश्वास कर सकता हूँ, हाइड्रो पंप पर मुझे थोड़ा भी विश्वास नहीं रहा है। ठीक है तो एक्वाटेल ने बड़ी आसानी से जियोड्यूड को हरा दिया है। अच्छी बात है कि स्क्वाडल को हमने लिया था हमारी टीम में। तो गाइस आगे आ रहा है मैचॉक, तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ पिकाचू को बुलाऊँ या बल्बसौर को बुलाऊँ। स्क्वाडल ने हमें बहुत मदद की है। ठीक है स्क्वाडल अभी तुम आराम करो, पिकाचू अभी आगे संभाल सकता है। मैं थंडरबोल्ट ही यूज़ करना चाहूँगा, थंडर पर मैं अभी थोड़ा भी ट्रस्ट नहीं कर सकता क्योंकि थंडर बार बार मिस हो जाता है। मुझे अच्छा नहीं लगा यार, ऐसा क्यों होता है। इससे अच्छा तो हमारा स्लैम अटैक था, लेकिन अभी मैं रिटर्न अटैक करना पसंद करूँगा। और अच्छा हुआ मैंने रिटर्न अटैक किया, मैचॉक की बहुत ही कम लाइफ हो चुकी है और वो पैरालाइज भी हो चुका है। तो आगे हमें चुनना चाहिए हमारा बल्बसौर, और कोई पोकेमोन हम नहीं चुन सकते। और मैंने गलती से सिंथेसिस अटैक कर दिया, ये मैं क्या करता रहता हूँ। ठीक है गाइस मैंने ये मेरी गलती सुधारने के लिए ये बैटल ही स्किप कर लिया था। तो अभी साइथर आ रहा है, तो अभी तो सिंथेसिस यूज़ करना ही पड़ेगा। अरे बल्बसौर पेंटेड हो चुका है और अभी हमारे पास 1 HP का स्क्वाडल बचा है। ये कैसी बेकार की टीम लेकर आया हूँ मैं। अरे नहीं यार ऐसा नहीं कहना चाहिए, हमारी टीम तो अच्छी है लेकिन ये बैटल हार्ड है, बहुत हार्ड बैटल है। तो अभी मैक्स रिवाइव यूज़ करके पिकाचू को हील कर लेते हैं यार। और क्या कर सकते हैं, हील ही कर सकते हैं ना मैक्स रिवाइव से, रिवाइव कर सकते हैं। मतलब कि मार लिया तूने साइथर, मार लिया तूने हमारे स्क्वाडल को, मार लिया ना। अभी पिकाचू के साथ बैटल करने के लिए रेडी हो जा। अभी मैं थंडरबोल्ट यूज़ करने वाला हूँ और काफ़ी अच्छा डैमेज मिला है। अरे गाइस नाइट स्लैश यूज़ कर लिया इसने, तो नाइट स्लैश से हमारे पिकाचू का डिफेंस काफ़ी कम है, फिर भी हमारे पिकाचू ने पैरालाइज कर दिया है साइथर को। तो अभी थंडरबोल्ट से फेंटेल तो कर लिया है, आगे कौन सा पोकेमॉन है, आगे लास्ट पोकेमॉन होना चाहिए। और जैसे कि ये लास्ट पोकेमॉन है इलेक्ट्रोड, तो मुझे अभी हमारे बल्बसौर को रिवाइव देना होगा। तो मुझे रिवाइव जल्दी से ढूंढना होगा, और ये रहा रिवाइव। अभी बल्बसौर को रिवाइव कर देते हैं और पिकाचू को थोड़े अटैक्स झेलने होंगे इलेक्ट्रोड के। इलेक्ट्रोड ने पहला अटैक किया है डिस्चार्ज। डिस्चार्ज पिकाचू झेल लो यार, एक बार झेल लो, कोई बात नहीं। अभी आगे हमारा दोस्त बल्बसौर संभाल लेगा, तो हम यूज़ करेंगे एनर्जी बॉल। और डिस्चार्ज यूज़ किया तो कोई बात नहीं, हमारे बल्बसौर की सिर्फ 83 HP है अभी। तो एनर्जी बॉल से इलेक्ट्रोड की आधी HP ख़त्म। एक और एनर्जी बॉल यूज़ करना होगा हमें, और हमारा बल्बसौर पैरालाइज हो चुका है। फिर भी हमारे बल्बसौर ने हमारे लिए एनर्जी बॉल यूज़ किया और उसकी 1 HP क्यों रहने दी बल्बसौर, ऐसा क्यों किया। ठीक है अभी हमें ट्रेनिंग की ज़रूरत थी। तो गाइस अगली बार से ऐसा नहीं होगा, ऐसा बोरिंग बैटल मैं नहीं दिखाऊंगा, माफ़ कीजिएगा। तो कड़ी मेहनत के बाद हमने ये बैटल जीत लिया है। ठीक है वाओ तुम काफ़ी अच्छे ट्रेनर हो, थैंक यू आपके जोक के लिए, लेकिन मुझे थोड़ी भी हंसी नहीं आई। तो गाइस हमें मिल चुका है हमारा सी रूबी बैच, 2nd batch ऑफ ऑरेंज आइलैंड्स, और TM 13 मिला है आइस बीम। ये हमें कोई काम नहीं आ सकती क्योंकि हमारे लेप्रस को पहले से आइस बीम आती है। आई होप कि तुम्हारे पोकेमोन को अच्छी ट्रेनिंग दो जैसे कि तुमने इस माउंटेन पे दी है। तो गाइस बोरिंग बैटल्स के बाद अभी हमारे सारे पोकेमोन को हमने हील करा लिया है, तो अभी इस केव के बाहर जाना होगा। तो चलिए मैं केव के बाहर मिलता हूँ आपको। मैंने कहा था मैं आपको केव के बाहर मिलूँगा, लेकिन मुझे यहाँ से कुछ अलग ही मिल गया। डोम फॉसिल और हेलिक्स फॉसिल यहाँ से मिली है, तो आप भी ले सकते हैं यहाँ से।
और एक चीज है यहाँ, यह है पीपी अप। तो आप ये रास्ता देख लेना, अभी हम बाहर निकल कर दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ से सीढ़ी पर जाना है और ये फर्स्ट फ्लोर है। तो अभी तो आपको पता होगा कि आपको कहाँ जाना है, ठीक है, फिर भी आपको दिखा देता हूँ। अभी मैक्स रिपल भी ख़त्म हो चुका है तो अभी आगे बढ़ते हैं। मैक्स रिपल तो यूज़ कर लिया है मैंने और यहाँ से जा सकते थे। तो जैसा कि आपने देखा, हमने ये बोरिंग बैटल किया था सेकंड जिम वाला, लेकिन कोई बात नहीं, अभी हमें आगे के आइलैंड पर जाने की तैयारी करनी चाहिए। तो अभी कौन सा आइलैंड है, सेवन ग्रेप फ्रूट आइलैंड। ये आइलैंड आया था क्या एनीमे में? मैंने तो नहीं देखा यार, मुझे नहीं पता। वैसे तो पिनकन आइलैंड आया था एनीमे में, आपको शायद पता होगा। तो मैं पहले यहाँ जांच करना चाहूँगा। और हमें यहाँ से मिल चुका है बेरी जूस, ये हमारा सेकंड बेरी जूस है। और मुझे बाद में भी देखना होगा कि बेरी जूस क्या काम आ सकता है, ठीक है। ये लोग तो यहाँ शायद से ग्रेप फ्रूट्स तोड़ रहे होंगे, मतलब कि द्राक्ष तोड़ रहे होंगे। ये सारे हैं सेवन ग्रेप फ्रूट आइलैंड। तुम कह सकते हो कि यहाँ ग्रेप ग्रो होती है, इसलिए इस आइलैंड का नाम ग्रेप फ्रूट आइलैंड रखा है। तो गाइस, अभी हमें यहाँ इनसे क्या बात करनी पड़ेगी। और अभी पोकेमोन सेंटर आ चुका है, तो सबसे पहले नर्स जॉय से मिलकर आते हैं। और नर्स जॉय से मिल तो लिए हम, यहाँ से हमें बेरी जूस मिल गया था। तो आगे बढ़ने से पहले मुझे लगता है मुझे इनसे बात करनी चाहिए। हमारे सारे आइलैंड्स में से ईस्ट वाला आइलैंड बहुत बंजर हो गया है, वहाँ कोई ग्रेप फ्रूट्स का झाड़ नहीं बचा। नेवल जिम जाने से पहले मैंने सोचा मैं यहाँ थोड़ा रुक जाऊँ। तो ये कौन सा हाउस है, मतलब कि ऑफिस है, मुझे नहीं पता। ये लैपटॉप लेकर बैठी है, ये सारे साइंटिस्ट है शायद से। क्या है, मैं अभी बिजी हूँ स्नोलेक्स प्रॉब्लम की वजह से। स्नोलेक्स सारे ग्रेप फ्रूट खा गया क्या? तुम हमारे लिए उसको स्टॉक करोगे? वेरी वेल, मैं गार्ड को कह दूंगी कि तुम्हें ट्राई करने दे। तो अच्छा हुआ कि हमने इन आंटी से मिल लिया, क्योंकि वहाँ हमें बाद में गार्ड रोक सकता था। तो इस तरफ ही जाना होगा। और जैसा कि उस बच्चे ने कहा था, ये सब बंजर हो चुका है यहाँ। हाँ, मुझे पता है अंकल जी, पूरी ज़मीन बंजर हो चुकी है। और पीछे के रास्ते हम गए थे पहले, सबसे पहले वहाँ तो कुछ और ही चल रहा था, वहाँ हमें ग्रेप फ्रूट्स दिखाई दे रहे थे, लेकिन यहाँ नहीं है। तो अभी आखिर में इनसे भी बात कर लेते हैं। क्या होगा अगर ऐसा ही चलता रहा? अंकल, ऐसा ही नहीं चलता रहेगा, अभी हम स्नोरलैक्स को पकड़ लेंगे हमारे पास। तो गाइस, हमें मिल चुका है स्नोरलैक्स। वुड यू लाइक टू टेक स्नोरलैक्स विथ यू? यस। नहीं, निकनेम नहीं देना। तो अभी हमें जल्द से जल्द उन मैडम से मिलना होगा, उनसे बात करनी होगी कि हमने कैसे स्नोलेक्स को ले लिया है, मतलब कि उनकी सारी प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व कर दी है। लेकिन उससे पहले हम वहाँ ऊपर गए थे, आपको शायद पता होगा, यहाँ से ऊपर और उस तरफ राइट में गए थे, वहाँ हमें कुछ मिला नहीं था, लेकिन हमने बात नहीं की थी। तो अभी बात कर लेते हैं, क्या तुम हमें हेल्प करोगे थोड़ी तोड़ने में? ओके, सभी यही बात कर रहे हैं। तो ये बीच वाले अंकल क्या कर रहे हैं वहाँ? सभी यही बात कर रहे हैं, मैं हेल्प कर सकता हूँ, लेकिन ऐसा गेम में ऑप्शन नहीं दिया गया, तो मैं क्या कर सकता हूँ अंकल जी? ग्रेप फ्रूट के लो सप्लाई की वजह से हमें ज़्यादा ग्रेप तोड़नी पड़ रही है। तो ठीक है गाइस, बड़ा ही अच्छा टाइम पास हो गया है हमारा। तो अभी चलते हैं इस वाले ऑफिस में, यहाँ से हमें उन आंटी को कह देना है कि हमने स्नोलेक्स पकड़ लिया है, आपकी सारी प्रॉब्लम खत्म हो चुकी है। तो तुमने सचमुच स्नोलेक्स को स्टॉप कर दिया? एज अ थैंक्स, ये ले लो, ये गिफ्ट है तुम्हारे लिए। मुझे अभी बहुत काम है, सारे प्रॉब्लम फिक्स करने हैं जो स्नोलेक्स की वजह से हुए थे। वेल, तो ठीक है, तो ये चैप्टर तो हमने खत्म कर दिया, मतलब कि बोनस चैप्टर जैसा ही है हमारा स्नोलेक्स चैप्टर। और ये लेफ्ट ओवर है, an item to held by a Pokemon, the holder's HP is gradually restored during battle, मतलब बैटल में हमारी HP रिस्टोर हो सकती है इसकी वजह से। तो चलिए गाइस, मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट एपिसोड में। आज का एपिसोड काफ़ी बकवास था मुझे पता है, तो टारगेट करते हैं 10 डिसलाइक्स का।
हम ट्रोविटा आइलैंड पर आ चुके हैं। मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट एपिसोड में। बाय गाइस, वीडियो अच्छा लगा तो डिसलाइक कर देना। बाय।